1 लाख पे सरप्राइज। बहन तो मुझे टेंशन नहीं हो रही बहन अभी भी टेंशन हो रही है सिस्टम क्या कर मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब इतने टाइम से इतनी भसड़ चल रही है एक आदमी का दिमाग थकता है गांव में टेंशन नहीं होती भाई अरे घर पे भी नहीं होती टेंशन कहीं नहीं होती 1 लाख पे सरप्राइज चल भाई सरप्राइज भाई 1 लाख हो गए देखो बात ऐसी है आपका सिस्टम और हिसाब किताब सबको पता लग ही रहा है चार लड़के ले आओ अपने गैल के चारों के इंस्टाग्राम हैंडल मजबूत यार ये लाइट बंद करवाना पीछे वाली ये वाली ये लाइट बंद चलो ठीक है पीछे वाली बंद करो बस ठीक है तो देखो आपका सिस्टम सबको दिख रहा है वो रील वाला सिस्टम है बढ़िया एचडी वाला आपने आसपास आंडू वांडू पाल रखे हैं दो चार चलो वो आपने पाल रखे हैं आपकी मर्जी अब ये बताओ आना है कि नहीं आना दोनों हिसाब से हम सॉल्यूशन देंगे पूछ के नहीं देंगे हम खुद देंगे आपने बोला लोकेशन दे दो दे दी रील में भी डाल दी 24 घंटे से फालतू रहेगी आप अपने जितने यारे प्यारे लोग हैं जो चाहने वाले हैं जो आपके फॉलोअर हैं 10-12 लाख जो भी हैं उनको बोल लो कि भाई मेरे को आपकी जरूरत पड़ रही है मैंने एक लड़की का रेप करा था जबरदस्ती गलती हो गई थी मैं बहक गया था पर मैं इंसान बहुत अच्छा हूं मुझसे गलती हो गई थी रेप भाई देखो गलती हो गई सो हो गई इंसान हो ना वो माफ कर देंगे बस बोल देना कोई नेता हो आपका जान पहचान का आप बोल देना सर मेरे से रेप हो गया था क्या हो गया सर लड़की तो है ना गलती हो गई समर्थन दे दो हाँ अगर आपके कोई यारे प्यारे दोस्त आ रहे हैं हमारा किसी और से लेना देना नहीं है किसी से भी सिर्फ एक भाई से है जिस भाई ने चीज शुरू करी उसी से खत्म करवाएंगे हम बीच में किसी भाई को जोड़ेंगे ही नहीं हम समाज तोड़ेंगे नहीं और इसे छोड़ेंगे नहीं एक दिन ले लो दो दिन ले लो तू एक साल तक खींचने की कोशिश कर ले मैं एक साल तक तेरी गांड मारूंगा जब तक तेरे ये हथेली यूं नहीं जुड़ेगी ना सामने बैठ के और तू बोलेगा गलती हो गई कोनी तक नहीं मोबिलिटी की जरूरत होती है बहन चोद उसके लिए शोल्डर की हाँ मुझे पता है तू जूती है तेरी मोबिलिटी तू नहीं करता तो भाई जोड़ दे हम तेरे को छोड़ देंगे करना चोद भी देंगे भाई बात नॉर्मल थी बाकी चोद भी देंगे नहीं देख ये तो हम झूठ बोल रहे हैं देख सच बताऊं बात की छोड़ देंगे कुकर्म का ना लगाओ भाई और एक बात समझ में नहीं आई अब तक तेरे पर रेप का केस लग गया क्यों नहीं चढ़े भाई तेरे पर दुष्कर्म का लाग रहा है जो तेरा करने की कह आएगा कुकर्म का लाग रहा है बहादरगढ़ माजा जी भाई अरे सुने सारी उम्र इतना जीव है इतना जीव है जो ग्राह अपने यो ही अपने ग्राह इतना जीव है आध घंटा पौना घंटा मारे एरिया मा का मारे ठिकाने पर रहे ओ भाई फोन करके अरे तू आ जा जीव इतना एक दिन की नहीं अरीब की नहीं तेरे में जब आशंग हो जाए ना जीव इतना जब आ जाइए अगर मर्द पड़ेगी अगर मर्द पड़ेगी थोड़ा सा भी कैंपस रहो तो न न्यू कही थी अगर मेरे तो एड्रेस दे दे दिया एक बार आ जा अगर मर्द पड़ेगी कुछ भी बस रहा तेरे भीतर
पहला तेरी गेला सेक्स करांगा मैं। वीडियो तो दिखती होंगे तो ना सारी, तो सही कह देगा जवाब तो दे दिया होगा ना होगा भाई क्या बढ़ रहा तू बहन के लोड़ी चार ढेर ले गए बहन के काले चूतड़ा के बोसड़ी के कच्चे धोनिया भी है मुंडे बहन के लोड़े को डूम बहन तो नाचनिया गानिया ढोल बजानिया बोसड़ी के तेरी गहने का पाड़ांगे बहन के लोड़े आई है तू तू भाई फरीदाबाद में 6 घंटे टाइम कट था तेरे तो 1 घंटे की आध घंटा कि खड़ा हो एक लोकेशन बहादुरगढ़ में कितने भी खड़ा होगा टाइम तो काट जा देखो भाई अगर एक और सॉल्यूशन देता हूँ वो थोड़ा इंटरटेनिंग है थोड़ा मैं फाइनेंशियल हिसाब से ज्यादा सोचता हूँ एक पेपर व्यू रख लेते हैं one. नहीं 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 टू वर्सेस वन आपके साथ एक और भाई है नाम नहीं लूंगा आपको पता है 178,000 लोग देख रहे हैं और भी देखेंगे पब्लिकली बोल रहा हूं एक्सेप्ट कर रहा हूं पीछे नहीं हटूंगा पीछे नहीं हटूंगा एक बंद कमरे में केज में रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन तुम दोनों मैं अकेला भाई। कोई रूल कोई रेगुलेशन तुम दो मैं अकेला तुम्हें अरे रुको 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 इन्होंने चांटे नहीं देखे कि घूसे लातों के अलावा चांटों से बेहोश कर सकता हूं बहनचोद भाई ये हाथ ना तेरे को पता नहीं है बहन के लंड जान कितनी है जनरे देखो प्लायोमेट्रिक्स करते हैं और आइसोमेट्रिक्स करते हैं उससे पावर जनरेशन बढ़ता है आप खाली हाइपरट्रॉफी करते रहोगे उससे मसल ग्रोथ होती है पर उससे पावर जनरेशन नहीं होता तो वो चीज मैं तुम्हें प्रूव करूंगा पढ़े लिखे होने का क्या फर्क होता है अनपढ़ों तो अगर तुम्हें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ये इकलौता तरीका है तुम पे हर चीज से बचने का कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ले लो और मुझे 20-25 करोड़ रुपए का जुगाड़ करा दो किले क्या रेट चल रहा है 5 करोड़ 5 करोड़ 5 किले मुझे 5 किले चाहिए मुझे 5 किले और रोड पे ना रोड रोड के 2.5 किले भाई रोड के 2.5 किले नहीं नहीं 5 चाहिए 5 आधे आधे ले लेंगे वो हम देख लेंगे मुझे पैसे अरेंज करा दो तुम दोनों एक्सेप्ट कर लो तुम दोनों एक्सेप्ट कर लो और जगह बता दो देखो सुनो मेरा ये हाथ ना टूटा हुआ है ये सीधा नहीं होता ठीक है तुम दो हो चार हाथों पे अब 12 बजने के बाद कल से लेके अगले 1 साल तक माल मूल चला लो जो चलाना है सीख लो स्किल बढ़ा लो भांग बोसड़ा कर लो हम अपनी लाइफ नॉर्मल जिएंगे 1 साल में भी ब्योत हो जाए ना लड़ने का गांठ तोड़वाने के बाद पहले जब मन करे तो बता देना ऐसे लड़ना है ऐसे लड़ लो वन वर्सेस वन ना बराबर की चीज नहीं है तू थोड़ा तो क्या कहते हैं टीनू जी है टीनू जी है दूसरा भी टीनू ही है पोता है देखो आदमी की तरह भाई आप सामने आते ना आदमी की तरह सामने आते अगर आए थे फरीदाबाद तो भी बात कर लेते बेचारे डेरे भेज दिए अपने स्कूल में बैठा था हिसाब से बैठा था ऑफिस में बैठ के बात करा था गुंडे वाली फील लेके तुम दादा बन रहे हो अरे भाई मेरे को बोलते हैं हमारी बहन इनके भाई हुई है इनमें से एक भाई का नाम लेके हमारी बहन इनके भाई हुई है मैं साला हूं उसका एक सेकंड बहन बहन के बारे में नहीं बोलेंगे फालतू तो इनने बोला हमारे गांव का नाम यूज मत करो वो बंदा कहीं और का भाई स्कूल के अंदर ना तेरी गांड में गोली नहीं मार सकते समझ रहा है मैं वहां पे अगर ढीला हो रहा हूं धीरे बोल रहा हूं घोसड़ी के 2 दिन से सोया नहीं था प्यार से बोल रहा हूं बैठ के बात करो इसका मतलब ये नहीं होता दब गया अगर मैं बोल रहा हूं ना राजीनामा करना इसका मतलब ये नहीं कमजोर हूं अब मैं तेरे को दिखाऊंगा हिसाब किताब क्या होता है एक सेकंड हिसाब किताब क्या होता है जो तुम सिस्टम करते हो ना तुमने मेरे को आज तक पूरे फरीदाबाद में या कहीं पे किसी ने ना सोशल मीडिया पे कभी नहीं देखा रजत किसके साथ रहता है आज तक मैं किसी के साथ रहता हुआ नहीं दिखा हमेशा ट्रेनिंग अकेले आना अकेले जाना अकेले कहीं भी नहीं देखोगे घूमते हुए फरीदाबाद की जनता ने मेरे को कभी किसी के साथ बैठे कहीं खाना खाते नहीं देखा होगा मैं नहीं दिखाता पीछे का हिसाब किताब क्योंकि मैं नहीं चाहता भोसड़ी के दिक्कतें हों
पर अब जब जरूरत आ गई है, घर के हैं मेरे, कहीं तू यूं सोच रहा हो ना कि बहन चोद सरनेम भाई है, सारे दलाल हैं। बहुत बारी बता चुका था लाइवों में कि बहन चोद भाई आ गए ना, अपने भाई 20 गांव के 40 बंदे ना है, एक गांव के हैं सारे, एक घर के। और बता कुंडा फैमिली का घर है, 12 गांव का घर है, 12 गांव का। आराम से शराफत दिखाते हैं ना, असल में जिसकी गांड में दम होता है ना वो चुपचाप रहता है। 10 लड़के लेके हीरो बन के जो इंसान रहते हैं उनकी गांड में गूदा नहीं होता, और ये चीज दर्शाती है कि तुम चूतिए थे। अगर एक कैमरे के आगे एक्टिंग करके अल्फा बना जाता है ना, वो अल्फा नहीं होता, वो लोडू होते हैं, वो एक्टिंग एक्टर हैं। एंड के लंड जूते 3 इंच के तू पहनता है, 3 इंच के तेरे बाल, तब जाके तू 5'6" का होता है। अरे डेरे ना कह दे, डेरे रे भाई दे दंते लाइव में जोड़े, लाइव में आज तू बैठ गए लोड़े अपने भाई तारे ने बैठा गया। और ये बाइसेप्स कर्ल क्या मारता रहता है बहन के लोड़े, डेडलिफ्ट मारा कर लोड़ू, इनसे नहीं होता कुछ भी। कमर कमजोर है ना, कमर कमजोर है, तेरे को पता है कमजोर है भाई। देख फोर्स क्या होती है, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, ये इतनी तेज स्पीड से आएगा ना कि वो फोर्स जनरेट होगी कि यहां मारूंगा ना तो यहां कंपन आएगी। सोच, इमेजिन कर। और मोमेंटम क्या होता है, मैं भाई पी इक्वल टू एम वी, यस गुड, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम पता है वेग। अब देखो क्या होता है ना, अब खड़े खड़े तुम खड़े खड़े मोमेंटम नहीं बना सकते, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए। तो मैं खड़े खड़े नहीं मारूंगा, मैं उछल उछल के मारूंगा अब, ठीक है? तेरे समझ में नहीं आएगा, तू अनपढ़ है यार। थोड़ा बच्चे पेपर वेपर खराब हो जाते हैं ना, तो जरूरी है। तो भाई एक सिंपल तरीका है, या तो मेरे से गुथलो दोनों मिलके, और पूरी बहन जो भारत की जनता को दे दो एंटरटेनमेंट। तुम पे मेरा झाटका वाल नहीं ना, कहीं तुम सोच रहे हो ना रात में सोचो कि यार भाई तू पीछे से पकड़ लियो मैं घूसे मार दूंगा, मुझे बस एक एक दो दो मारने, तुम उसमें बह जाओगे, ठीक है? ये था मेरा पहला ऑफर। दूसरा ऑफर ये है कि आप मिल लो हमें, जगह बता दे यार। अरे तू बता दे, तू ये बोलेगा ना भाई ये जगह, वो होगी 2 दिन बाद, वो हमारे मूड पे है, हम आएंगे या तेरे को धप्पा देंगे। हम यहां बैठे हैं, तूने लोकेशन मांगी, रील डाल दी है, तेरे फन्ने खा हो ना जो कि हाँ भाई बहन की चूत ये हमारे गैंगस्टर हैं, ले आ, ले आ, खुली छूट। मैं बहन के लोड़े एनसीआर में रहता हूं ना, मेरे पापा वहां काम करते थे, हमारा काम धंधा वहां है, वहां गुंडागर्दी हवाबाजी करने के लिए नहीं बैठे, वहां बैठे हम रहने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। तुम बहन के लंड, कोई इंसान अपने घर से बाहर जाके अगर दूसरी जगह बस रहा है, तुम उसकी गांड मारोगे? चलो ठीक है, मेरे पास फॉलोइंग ऊपर है, मेरी बात उठ गई। मेरे कितने भाई होंगे बहन के लंड जिन्हें जो नहीं है सोशल मीडिया पे, तुम जैसे लोग तो उन्हें दाब देते हो, हमको ना रोगा सुकड़ा मार दे दे। तुम तो उन्हें दाब दोगे, यहां से चीज निकलेगी ना। तो बहन के लिए एग्जाम्पल सेट करता आ रहा हूं मैं शुरू से, और तू एग्जाम्पल बनेगा, ये इतिहास है बहन के लोड़े, हम नहीं आ रहे तो कंट्रोवर्सी कैसे हार जाऊंगा बहन चोद। राजवीर, राजवीर सुने, ये तने बिल्कुल चूतिया बना रहे, गोली देर लाग रहे भाई, इनके इनके कहने से यहाँ आ मत जाइए, दलाल नगर एक एक दलाल चूतड़ा मांगली देगा जब भी मर जाएगा तू। ये तने बेवकूफ बना लाग रहे हैं, आ मत जाइए भाई, मैं समझाऊं, आइए मत, ये बेवकूफ बना के बुलाने लाग रहे हैं, आंगली भी नहीं उठेगी, दुश्मनी बहुत दूर की बात है चूतिया। या डेमो तो खाई भाई, ठीक है कर ले रोहित भाई, बात सही है भाई, सो जा गंडे भाई। चलो भाई चुतिया बनाओ, मत राम राम।